एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुखसार और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने हेयर को कॉम कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको सही तरीका बताने वाली हूँ कि अपने हेयर को कॉम कैसे करना है आपको। इसमें आज मैं बहुत सारे आपको टिप्स बताऊंगी और कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जिससे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सब बहुत तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट, शैम्पू, अच्छे ब्रांड का कंडीशनर, फिर भी हमारा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है। तो मतलब ये कि हम लोग कुछ तो मिस्टेक्स कर रहे हैं जिस वजह से हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं। तो आज मैं आपको ये टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि आप हमेशा अपने हेयर वॉश करने से पहले अपने हेयर को कॉम जरूर करें। हेयर वॉश कर लेंगी तब अपने हेयर को कॉम करेंगी तो इजिली आपके टैंगल फ्री हो जाएंगे, आपके जितने बाल उलझे हुए हैं वो सुलझ जाएंगे। इसलिए हमेशा आप अपने हेयर को वॉश करने से पहले कॉम जरूर करें। और हमारा नेक्स्ट टिप्स है कि आप दिन में 2 बार कॉम जरूर करें। कॉम करने से क्या होता है कि आप आपका जो डेड स्किन सेल्स है आपके हेयर पे वो रिमूव होता है और आपकी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है जिससे आपके नए बाल उगते हैं, रीग्रोथ होता है आपके हेयर का। और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से आपके जो सर से जो नेचुरल ऑयल रिलीज होता है इससे आपके बाल सिल्की और सॉफ्ट होते हैं। इसलिए दिन में 2 बार कॉम जरूर करना चाहिए। हल्के हाथों से हमेशा कॉम करें, कभी जोर से अपने हेयर को कॉम ना करें। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, जोर जोर से अपने हेयर को कॉम करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अपने लाइट हैंड से ही अपने हेयर को कॉम करें, नहीं करने से हेयर फॉल होता है और आपके रूट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं और बाल टूटने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने हेयर को लाइट हैंड से ही अपने हेयर को कॉम करें। और हमारा नेक्स्ट टिप्स है कि कभी भी आप अपने गीले बालों पर कंघी ना करें। गीले बालों पे कंघी करने से क्या होता है, आपके ऑलरेडी आपके हेयर वीक होते हैं, जब आपके बाल भींगे होते हैं, गीले होते हैं तो उस समय आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और जब आप कॉम करते हैं तो वो टूटने लगते हैं और आपका जो रूट्स है वो भी वीक होता है उस टाइम। इसीलिए जब तक आपके बाल सूख ना जाए तब तक अपने हेयर को कॉम ना करें और हमेशा सही तरीके का कंघी यूज करें, तरीके से चौड़े दांत वाले कंघी यूज करें। ये बहुत ही अच्छा होता है, आपके उलझे बालों को सुलझा देता है इजली। इसलिए हमेशा चौड़े दांत वाला कंघी ही हमेशा यूज करना चाहिए। मैं हमेशा इस तरीके का कंघी यूज करती हूँ। जब आपके बाल अच्छी तरीके से डिटैंगल हो जाए, टैंगल फ्री हो जाए, तब उसके बाद आप ये वाला कॉम यूज कर सकते हैं। इस तरीके का कंघी इजली अमेजोन में मिल जाएगा आपको। आप इस तरीके से वुडेन वाला भी आता है, वुडेन वाला बहुत ही अच्छा होता है, आप वो वाला यूज कर सकते हैं। ये वाला कॉम यूज कर सकते हैं, ये टेल कॉम है। आप इसे पार्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा कॉम है, ये सेंटर पार्टिंग कर सकते हैं, साइड पार्टिंग कर सकते हैं, इजिली इसे पार्टिंग हो जाता है और एकदम क्लीन सा पार्टिंग होता है। इसलिए इस तरीके का टेल कॉम भी आप ले सकते हैं। आप हमेशा थोड़ा टाइम निकाल के ही अपने हेयर को कॉम करें। बहुत लोग क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में अपने हेयर को कॉम करते हैं और जोर से अपने हेयर को कॉम करते हैं, रब करते हैं, जिस वजह से उनका हेयर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है और उनके हेयर टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के अपने हेयर को आहिस्ता आहिस्ता लाइट हैंड से ही अपने हेयर को कॉम करें। हमारा नेक्स्ट टिप्स है कि आप अपने हेयर को कॉम कैसे करें। ये बहुत जरूरी टिप्स है। हमेशा आपको पहले सेंटर पार्टिंग करना है, सेक्शन निकाल के ही अपने हेयर को कॉम करना है। बहुत लोग सीधा अपने बालों को कॉम करने लगते हैं। जितना आप सेक्शन निकाल के ही अपने हेयर को कॉम करेंगे उतना इजिली आपके टैंगल फ्री होंगे, कम बाल कम झड़ेंगे आप। इसलिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि इस तरीके से चौड़े दांत वाले कंघी आपको लेना है और नीचे से अपने हेयर को, है ना, नीचे से अपने हेयर को धीरे धीरे टैंगल फ्री करना है। नीचे से बाद आपको टॉप में जाना है, यहां से आपको इस तरीके से नीचे नीचे से पहले आपको बाल झड़ना। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट झाड़ेंगे ना तो जितने भी आपके उलझे हुए बाल हैं ना, रूट्स पे आपका प्रेशर पड़ेगा और रूट से ही अपने आपके बाल टूटने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा नीचे से अपने हेयर को कॉम करें तब टॉप एरिया पे जाएं, ठीक है, और इजिली आपके हेयर अच्छे से कॉम हो जाएंगे।
ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपको याद रखना है अपने अपने हेयर केयर रूटीन में, इससे आपके हेयर फॉल बहुत कंट्रोल होंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत लोगों भी हेयर फॉल होते हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं, मतलब जिनको आइडिया नहीं होता है अपने हेयर को काम करने का, उनके साथ शेयर करें, फैमिली फ्रेंड के साथ। चलिए फिर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।